और जनता को आराम मिले, जनता महंगाई को बेरोजगारी को दूर करे। बीजेपी का डमरू बजाते थे, अब आए हैं लालटेन में ही तेजस्वी जी के साथ में। हम तेजस्वी जी से अपेक्षा रखते हैं नौकरी दे। नौकरी है कहाँ, वैकेंसी आई है ना, तो नौकरी कहाँ से होगा। झूठे को जनता को गुमराह किया जाता है, महंगाई बेरोजगारी गुंडाराज, फिर बिहार में काम होगा। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद अब महागठबंधन की सरकार बिहार में बननी जा रही है और बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के पद से। नीतीश कुमार शपथ लेंगे तो उप मुख्यमंत्री के पद से जो है तेजस्वी यादव शपथ लेंगे। इसको लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो जानने के लिए हम सहरसा के लोगों के बीच आए हैं और सहरसा के लोगों के बीच जाएंगे और जानेंगे कि जो सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए हैं उसको किस तरह से देखते हैं, क्या उनकी राय है। और फिर से जो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जो है वो शपथ लेंगे, तो उसको लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका जी? मेरा नाम सुभाष गांधी है। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन में शामिल हो गए और एक बार फिर शपथ लेने के लिए जा रहे हैं? जी निश्चित, ये 8वीं बार है, मेरी शुभकामना है मुख्यमंत्री जी के साथ। लेकिन खास करके हम लोग जनता हैं, कोई नेता फेता है नहीं, कौन नेता किधर जाते हैं उससे क्या लेना देना है हमको। हम जनता हैं, हमको जिस तरह से खाद्य पदार्थ या फिर सिलेंडर या महंगाई या बेरोजगारी, ये मुद्दा हम लोगों का है, ये मतलब मुद्दा प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक सदस्य का है। हम चाहेंगे कि उक्त मुद्दा पर, जो मुद्दा से हम त्राहिमाम है बिहार की जनता, उस त्राहिमाम जो मुद्दा है उसमें गिरावट आवे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बेरोजगारी पर अंकुश लगे, जबकि तेजस्वी सरकार इससे पहले कह चुके हैं कि हमने इतना नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे। अब मौका आ गया है, आप अपने जो वादा किया था, आपने जो इससे पहले कहा था, घोषणा किया था, उसको अमल पैजामा पहनाने का, आप उस पर अमल करें। अभी मौका है 3 साल का आपको, यदि चाहें तो 3 साल में क्या नहीं हो सकता है, 3 साल में बहुत राहत मिल सकता है राज्य की जनता को। हम अपेक्षा करते हैं, खास करके नीतीश जी से कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मोदी जी के साथ थे कल तक ये बीजेपी के साथ थे, तो बीजेपी का डमरू बजाते थे, अब आए हैं लालटेन में ही तेजस्वी जी के साथ में। हम तेजस्वी जी से अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने रास्ते से, नीतीश कुमार यदि चलता है, नीतीश कुमार यदि बेरोजगारी महंगाई और राज्य में जो अराजकता है उसमें जहां तक अंकुश लग सके अंकुश लगाइए, तो आपका जिंदाबाद है, अन्यथा आपका भी मुर्दाबाद है। झूठा हूँ, ये सरकार बदलने से अब बिगड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, लाभ तब होगा जब जनता की हित की बात होगी। चलिए, जनता के हित की बात होगी तभी लाभ हो पाएगा। क्या कहेंगे जिस तरह से अब महागठबंधन में शामिल हो गए नीतीश कुमार? इन्होंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही और सच है, यही जनता चाहती है और चाहती रहेगी। और जनता को आराम मिले, जनता महंगाई को बेरोजगारी को दूर करे। अच्छा, बस महंगाई बेरोजगारी उसको दूर करे, जनता के ऊपर पूरा शिक्षा पर ध्यान दे, जो बेरोजगार नौजवान हैं अभी बैठे हैं उन लोगों के पर ध्यान दे कि उन लोगों को रोज़गार मिल जाए, ताकि देश और बिहार की तरक्की हो। बिहार सबसे, जबकि बिहार को कहा गया था कि हम इसका ये देंगे, इसका दर्जा देंगे बिहार को विशेष राज्य का, लेकिन नहीं मिल सका। ये सब वादे थे लेकिन नहीं मिला है, ये सब मिलना चाहिए बिहार को, मिलना चाहिए। क्या अपेक्षा रखते हैं इस महागठबंधन की सरकार से, क्या अपेक्षा है आपकी? अच्छा जो हो रहा है सब ठीक हुआ, क्या सुधार होनी चाहिए, किस चीज़ में सुधार होनी चाहिए? बेरोजगारी में, नौकरी में, और महंगाई खत्म हो, यही और क्या चाहिए जनता को? यही सब होना चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आया है तो कुछ होगा बिहार के लिए? लगता है क्या होगा कुछ? अच्छा, उम्मीद जगी है, उम्मीद है, जगह है कि हाँ मिलेगा, अब हर चीज़ मिलेगा, महंगाई दूर होगी। क्या लगता है जो पिछले चुनावी सभा में जब तेजस्वी यादव जो सभा में संबोधित किए थे और कई पैकेज का बात किए थे, क्या लगता है वो पूरा होगा? अब जो वादे किए थे पूरा होगा? उम्मीद है, लोग अभी तो उम्मीद ही पर चल रहे हैं ना, उम्मीद है कि पूरा होगा, उम्मीद लगाए हुए हैं, अन्याय पूरा होगा तो ये भी चले जाएंगे बाहर। चुनावी सभा में नौकरी देने की बात की गई थी, क्या लगता है अब? आज तो लगाए हुए हैं हम लोग, और उनको भी वही चाहिए कि जो आस जनता लगाए हुए है उसके आस को पूरा करें, हम पूरा करें, बस इतने हम करना और क्या। और भी देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, उससे भी जब क्या लगता है महागठबंधन में अब नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं?
महागठबंधन 6 महीना का सरकार है, 6 महीना के अंदर में सरकार गिर जाएगी, फिर मध्यावधि चुनाव होगी। उसके 6 महीना के अंदर फिर गिर जाएगी, बस 6 महीना से ज़्यादा सरकार चलने वाला नहीं, इसलिए नहीं चलने वाला है। वो कहेगा ऐ, वो कहेगा पै, रसी का राज, हम नौकरी देंगे। नौकरी कहाँ से लाएगा, पैदा करेगा बिहार में नौकरी? सबसे पहले नौकरी देगा, जो जनता को कहा है नौकरी हम देंगे, नौकरी दे, नौकरी है कहाँ, वैकेंसी आई है ना, तो नौकरी कहाँ से होगा? झूठे को जनता को गुमराह किया जाता है, महंगाई, बेरोजगारी, गुंडाराज, फिर बिहार में काम होगा, फिर काम होगा। हाँ, तेजस्वी यादव जो पिछले बार चुनावी वादा में किए थे, घोषणा किए थे कि नौकरी देंगे, क्या लगता है, उम्मीद लगती है? नौकरी कहाँ से देंगे, बिहार में कहाँ नौकरी है जो नौकरी मिलेगा? कोई ना फैक्ट्री है, ना कोनो कार्यालय है, तो नौकरी मिलेगा कहाँ से? खुट्टे ठकता है, जनता को ठकने का काम हो रहा है, ठकने के सिवा कुछ नहीं हो रहा बिहार में, कुछ नहीं हो, बस खाली जनता, कोई उम्मीद नहीं है जनता को, केवल ठकता है, कभी वो पार्टी में, कभी वो पार्टी में, कभी वो पार्टी में, अभी सब चोरबा एक हो गया है, कहता है हम बहुत बड़का साधु हैं, इसलिए जनता को बर्बाद करने के कगार पर ले जा रहा है बिहार। चलिए, लोग कई लोग गुस्से में भी है, और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, चाय की दुकान है और कोर्ट के बाहर का ये तस्वीर है, और यहाँ पर हर तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ से लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो निकलेगी। क्या कहेंगे, महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए और शपथ ग्रहण है? शपथ ग्रहण है, ये बिहार का जो कमी बेसी है वह पूरा होगा, लेकिन ये महागठबंधन में आया है तो निश्चित तौर पर बिहार का अच्छा से अच्छा विकास होगा, क्योंकि यहाँ शासन प्रशासन पर कोई लगाम नहीं है। उसने जब बीजेपी में था तो शासन अपने शासक तरीके से चलाते थे। विकास होगा, लगता है आपको विकास होगा? अभी तो देखिए, महागठबंधन में गया, अब ये कहना मुश्किल है, विकास होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन महागठबंधन में गया है। अब सरकार किसकी बनती है, नीतीश की बनती है कि तेजस्वी की बनती है, ये बात की बात है। देखिए, और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी एक युवा है और महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हो गए हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं आप इस महागठबंधन की सरकार से? नीतीश जी महागठबंधन से रिश्ता जोड़ ही लिया है, तो अब मुँह मीठा कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा हम रखते हैं, लग रहा है कि अब बिहार डेवलपमेंट होगा। क्या जो वादे किए गए थे पिछले बार, तेजस्वी यादव जो वादे किए थे चुनावी सभा में, वो पूरा होगा? हाँ, प्रयास उसका है कि वो पूरा करेगा। पूरा करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे। चलिए, लोग उम्मीद लगाए हुए हैं चुनावी सभा में, पिछले बार चुनावी सभा में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो वादे को जो है तेजस्वी यादव पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार है, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे में आज शपथ ग्रहण है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दी है। जिस तरह से बीजेपी का दामन छोड़कर नीतीश कुमार ने महागठबंधन में नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, उसके बाद कई लोग नीतीश कुमार पर हमलावर भी हो रहे हैं, तो कई लोग इसे सराहनीय बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई लोग ने ये भी बताया कि अब नीतीश कुमार जब महागठबंधन में शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं बिहार में अब विकास होगी।